मार्च 11, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन एक घोषणा करता है। In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. And COVID-19 can be characterized as a pandemic. चाइना, दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान पहले से ही COVID-19 की चपेट में हैं, और यह उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जहां यह वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths and the number of affected countries climb even higher. पैंडेमिक घोषित किए जाने के बाद इस बीमारी को पूरी तरह से रोकना लगभग असंभव हो गया है, पर इसके प्रसार को हम निश्चित ही धीमा कर सकते हैं। ऐसा करना क्यों आवश्यक है और इसके लिए हमें अभी क्या करने की जरूरत है, इस वीडियो में हम यही समझेंगे। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चाइना से प्राप्त डेटा के अनुसार इस बीमारी के अधिकतर केसेस जानलेवा नहीं है। 80% केसेस में केवल साधारण सर्दी जुकाम होता है, पर 20% केसेस में यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, जिसमें निमोनिया भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है, उनको वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है। ओवरऑल देखा गया है कि जिन कंट्रीज में रिग्रस टेस्टिंग की जा रही है वहां पर मृत्यु दर लगभग 1-2% के बीच में है। इसके अलावा ये भी पाया गया कि जो लोग कुछ अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं और अगर उनको ये बीमारी हो जाती है तो उनको रिकवर करने में काफी दिक्कत होती है। यह वायरस काफी ज्यादा संक्रामक है। किसी भी वायरस की संक्रामक क्षमता को हम R0 बोलते हैं। इस नंबर से हमें पता चलता है कि इस वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति औसतन कितने और लोगों को यह संक्रमण दे सकता है। इनिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से COVID-19 का R0 1.5-3.5 के बीच में है, मतलब 1.5-3.5 के बीच, जबकि साधारण सर्दी जुकाम फैलाने वाले सीजनल फ्लू वायरस का R0 होता है 1.3। संक्रमण होने के औसतन 5-6 दिन बाद आप अस्वस्थ महसूस करते हैं और आपको बीमारी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन संक्रमित होने से लक्षण दिखने तक स्वस्थ दिखने के बावजूद भी आप इस बीमारी का संक्रमण दूसरों में फैला सकते हैं, और इसी वजह से यह वायरस इतने प्रभावी तरह से दुनिया में इतनी जल्दी फैल गया है। इसीलिए WHO इसे विश्वव्यापी महामारी कह रहा है, पर इसके आगे भी WHO जो कह रहा है वह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। We cannot say this loudly enough. All countries can still change the course of this pandemic. और ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी बीमारी तब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब उससे कई सारे लोग एक साथ बीमार पड़ने लग जाते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स इतने सारे लोगों का एक साथ इलाज करने में सक्षम नहीं होते हैं। कोई हॉस्पिटल उतने ही लोगों को ट्रीट कर सकता है जितने कि उसके पास बेड्स हैं। मान लीजिए आपके लोकल हॉस्पिटल में किसी समय इतने बेड्स उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ बेड्स अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों से ऑलरेडी भरे हुए हैं, और यह ग्रीन डॉट एक स्वस्थ व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है जो कि रोज की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए अपने ऑफिस जाता है जहां उसे किसी अन्य व्यक्ति से COVID-19 का संक्रमण हो जाता है, पर उसे तुरंत अस्वस्थ महसूस नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता है कि उसे कई दिनों तक अस्वस्थ महसूस ना हो। इसलिए वह बाद में कोई शादी अटेंड करने जाता है जहां वह बिना जाने 2-3 लोगों को संक्रमित कर देता है। इनमें से ज्यादातर लोगों को अपेक्षाकृत माइल्ड केसेस जैसे साधारण सर्दी जुकाम ही होगा, पर उनमें से कोई वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है जिसका केस सीवियर होने के चांसेस ज्यादा हैं और उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। पर ये 3 जो कि सारे ही संक्रमित हैं पर अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, ये फिर से बाहर जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ऑफिस जाते हैं और बाहर घूमने जाते हैं, जिससे यह संक्रमण और लोगों में भी फैल जाता है, जिनमें से 20% लोगों को सीवियर केस होने के कारण हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। कुछ ही समय में इस प्रोसेस से हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। देखते ही देखते यह संख्या हॉस्पिटल में बेड्स की क्षमता से ऊपर चली जाएगी और स्थिति विकट हो जाएगी। ऐसे में क्रिटिकल केसेस से डील ही नहीं किया जा सकता, और कुछ सीवियर केसेस जिनको ट्रीटमेंट देकर बचाया जा सकता था उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सीवियर केसेस में आया यह उछाल ही कारण है इतने ज्यादा लोगों के मरने का। साउथ कोरिया, ईरान और इटली में कुछ ऐसा ही हुआ
जहां पर सीवियर केसेस की संख्या 100 से 5000 पहुंचने में 2 हफ्ते से भी कम समय लगा। इतने सारे लोग मारे गए क्योंकि उनको हॉस्पिटल में भर्ती ही नहीं किया जा सका। ध्यान रहे कि हम केवल सीवियर केसेस में उछाल की बात कर रहे हैं, लेकिन इस उछाल का मुख्य कारण वे लोग हैं जो स्वस्थ महसूस कर रहे थे और इसीलिए सार्वजनिक जगहों पर इस संक्रमण को बिना जाने ही फैला रहे थे। इसका मतलब उन गैर जरूरी मौतों को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर सकता है तो वो हैं ऐसे लोग, इसका मतलब हम सब। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आपको ऐसे एक्ट करना होगा जैसे आपके पास ऑलरेडी वायरस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज़ करके, भीड़भाड़ की जगहों और सामूहिक समारोहों में ना जाकर आप संक्रमण पाने और फैलाने दोनों के चांसेस कम कर देते हैं। इसी को सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। अगर हम में से अधिकतर लोग ऐसा करते हैं तो हम वायरस को रोक तो नहीं पर धीमा जरूर कर सकते हैं। इसके बावजूद समय के साथ कई लोग इस बीमारी से ग्रसित होते जाएंगे, लेकिन रोजाना आने वाले सीवर केसेस की संख्या अपेक्षाकृत कम बनी रहेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर क्षमता से ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। यह लाइन पैटर्न अब फ्लैट होता दिख रहा है, जिससे सारे सीवियर केसेस को ट्रीटमेंट उपलब्ध होगा और कम लोगों की मृत्यु होगी। कोविड 19 के संक्रमण फैलने के ये दो तरीके हैं, लेकिन यह तरीका तभी काम करेगा जब हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स फ्लैटन द कर्व की बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग काम करती है, इस चीज का ताजा उदाहरण है चाइना, जहां पर प्रभावी तरीके से कोविड 19 को कंटेन किया गया है। वुहान शहर का टोटल लॉकडाउन करने से वहां पर अब लगातार केसेस की संख्या कम होती जा रही है। 19 मार्च को पहली बार चाइना में कोविड 19 का एक भी नया डोमेस्टिक केस नहीं मिला। सन 1918 में ऐसा ही एक उदाहरण स्पेनिश फ्लू के फैलने पर सामने आया था। यूएस के दो शहर फिलाडेल्फिया और सेंट लुइस फ्लू की चपेट में थे। फिलाडेल्फिया शहर में प्रथम विश्व युद्ध के जवानों के लिए चंदा इकट्ठा करने की एक परेड होने वाली थी। शहर के मेयर को एक्सपर्ट्स ने सलाह दी कि इस परेड को कैंसिल कर देते हैं। मेयर ने इस परेड को काफी प्रेस्टीजियस और उनके सैनिकों के सम्मान के लिए जरूरी बताकर कैंसिल करने से मना कर दिया। लगभग 2 लाख लोगों ने इस परेड को अटेंड किया। वहीं से 1400 किलोमीटर दूर स्थित सेंट लुइस में लोगों में फ्लू के सिम्टम्स मिलने के 2 दिन के अंदर ही अधिकारियों ने स्कूल्स, थिएटर्स, बार्स, यहां तक कि चर्चेस भी बंद करा दिए। फिलाडेल्फिया में परेड को अटेंड करने वाले हजारों लोग स्पेनिश फ्लू की चपेट में आ गए। वहां पर मरीजों की संख्या हॉस्पिटल्स की क्षमता से बाहर चली गई और एक हफ्ते के अंदर 4500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं सेंट लुइस ने प्रभावी तरीके से अपनी मृत्यु दर को नीचे रखा। 100 साल बाद भी यही 2 सिनेरियोज हैं हमारे सामने। अंतर इस बात से नहीं पड़ेगा कि आपको ये डिसीज होगी या नहीं, बल्कि इससे कि आपको ये डिसीज कब होगी। भारत अभी संक्रमण के शुरुआती दौर में है। महामारी विज्ञानी एडम पुचास्की ने एलिमेंट्री गणित की सहायता से ये बताया कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आर नॉट को आर्टिफिशियली 2.5 से 1.25 पर ले आते हैं तो हम संक्रमण की संख्या को ड्रास्टिकली नीचे ला सकते हैं। अगर औसतन संक्रमण को फैलने में 5 दिन का समय लग रहा है तो 1 महीने में संक्रमण के 6 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस हिसाब से 1 महीने बाद पहले केस में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 244 होगी, जबकि दूसरे केस में सिर्फ 4। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। इसके बाद से अब 7वां हफ्ता चल रहा है, लेकिन देश में सिर्फ 206 कोरोना मरीज ही सामने आए हैं, जबकि इटली में 4 हफ्ते पहले पहला केस सामने आया और उसके बाद से अब तक 41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में इतने कम केसेस होने के कई कारण हो सकते हैं। अभी तक के केसेस के हिसाब से भारत में इसका आर नॉट 1.7 के आसपास है, जो कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भारत में टेस्टिंग ही बहुत कम हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सीनियर साइंटिस्ट निवेदिता गुप्ता के अनुसार अभी केवल ऐसे लोगों का टेस्ट किया जा रहा है जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं और जिनमें वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं, या फिर ऐसे लोग जो किसी लैब कंफर्म संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हों और उसमें वायरस के सिम्टम्स भी मौजूद हों। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी भारत में इसकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी 6,000 प्रतिदिन है और केवल 1.5 लाख टेस्टिंग किट्स ही अवेलेबल हैं। हालांकि
भारत ने और 10 लाख किट्स ऑर्डर की हैं। ICMR के अनुसार हमें जल्द ही पता लग जाएगा कि हम महामारी के फैलने के तीसरे चरण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच रहे हैं या नहीं, क्योंकि हाल ही में भारत ने फ्लू के लक्षण पाए जाने वाले सीवियर डोमेस्टिक केसेस में से कुछ केसेस को COVID-19 टेस्ट के लिए भेजना शुरू कर दिया है। किसी भी महामारी के फैलने के चार चरण होते हैं। पहले चरण में कोई संक्रमित व्यक्ति देश के बाहर से अंदर आता है। दूसरे चरण में यह संक्रमण स्थानीय रूप से फैलता है। तीसरे चरण में संक्रमण पूरे समुदाय में फैलने लगता है और चौथे चरण में यह महामारी में बदल जाता है। भारत अभी दूसरे चरण में है और तीसरे चरण में जाने से बचने की लड़ाई लड़ रहा है। अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं तो हमें दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने में ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते लगेंगे, इसलिए हमें अभी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमें स्पेनिश फ्लू को और ढंग से समझना होगा। इसका संक्रमण 3 फेजेस में देखा गया था। मार्च अप्रैल 1918 के पहले फेज में इसकी मृत्यु दर 0.5% थी, यानी 1000 लोगों में से 5 लोग। उसके बाद गर्मी के महीनों में यह दर कम हो गई और इसके खत्म होने की आशंका की जाने लगी। लेकिन अगस्त सितंबर 1918 में आए इसके दूसरे फेज में मृत्यु दर 1000 लोगों में 25 तक पहुंच गई। इसके बाद सन 1919 में इसका तीसरा फेज आया और 1920 आते आते ये खत्म हो गया। इसके दूसरे फेज में यह अपने सबसे भयावह रूप में फैला था। और ऐसा क्यों हुआ था, इसके कारणों के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गर्मी के महीनों में यह वायरस म्यूटेट हो गया था। एक और बात गौर करने की है कि दूसरे फेज के दौरान संक्रमित लोगों में सबसे ज्यादा यंग एडल्ट्स थे। 1918 में इन्फ्लुएंजा रिलेटेड डेथ्स में लगभग आधी डेथ्स 20 से 40 वर्ष के लोगों की हुई थी और इसमें सबसे ज्यादा लोग इस दूसरे फेज में मरे थे। तो उसको देखकर हमें समझ में आ रहा होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण गर्मी के दिनों में खत्म या फिर धीमा हो जाए। और अगर ऐसा होता भी है, फिर भी इसके और भयावह रूप में वापस आने की संभावना बनी ही रहेगी। इसको हम इस ग्राफ से और बेहतर तरह से समझ सकते हैं। अगर हम अभी भी कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो यह बीमारी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ते हुए विकराल रूप ले सकती है। लेकिन अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो देखें, जिसमें हम सब लंबे समय के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन आदि का ध्यान रख सकते हैं, तो ये ग्राफ फ्लैट ही नहीं बल्कि डिक्लाइन भी हो सकता है। पर यह तो आइडियल केस सिनेरियो है, इसीलिए विशेषक फ्लैटन द कर्व पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सब केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही कर पाते हैं तो भले ही इसका असर हमें कुछ दिनों के लिए कम होता दिखे, लेकिन कुछ समय बाद यह और भयावह रूप में वापस आ सकता है। ऐसा ही कुछ स्पेनिश फ्लू के दौरान कोलोराडो के डेनवर में देखने को मिला था, जहां पहले बचाव उपायों को अनुशासित रूप से लागू किया गया और बाद में उनमें ढील दे दी गई, जिससे फ्लू में मरने वालों की संख्या दूसरे फेज में पहले फेज से भी ज्यादा थी। इंपीरियल कॉलेज में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ट्रांसमिशन के रिबाउंड से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को लंबे समय तक जारी रखना होगा, जब तक इसकी वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो जाती, जिसमें 18 महीने या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। नमस्कार।